हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर पाठ 11 चावल की रोटियां के बारे में बताऊंगी। चावल की रोटियां एक एकांकी है जिसमें कोको मुख्य भूमिका में है। वह 8 साल का लड़का है। उसके तीन दोस्त हैं, नीनी, तिनसु और मेमे। नीनू और तिनसु लड़के हैं और मेमी लड़की, और उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक है। एक दिन कोको अपने माता पिता के खेत पर जाने के बाद उठता है। उसकी माँ घर पर नहीं है, उसे घर की देखभाल करनी है और उसकी माँ उसके लिए 4 चावल की रोटियां बनाकर अलमारी में रख गई है, क्योंकि कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं। वह उन्हें खाने के लिए जैसे ही बैठता है, तभी उसे दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। तो दरवाजा खोलने से पहले वह इन रोटियों को छुपा देता है। वह क्यों छुपा देता है? क्योंकि उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं। और फिर दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो दरवाजे पर नीनी होता है। वह तुरंत कोको से पूछता है कि उसने दरवाजा खोलने के लिए इतनी देर क्यों लगाई। कोको झूठ बोल जाता है कि वह नाश्ता करके मुंह धोने लगा था। अब नीनी उसे बताता है कि वह रेडियो पर परीक्षा संबंधी सूचना के बारे में जानकारी लेने आया है, लेकिन कोको बहाने बनाता है कि उसका रेडियो खराब हो गया। लेकिन नीनी को खबर सुननी है, तो फिर वह तिनसु के घर चला जाता है। अब कोको राहत की सांस लेता है कि फिर चावल की रोटियां वह खा पाएगा। लेकिन जैसे ही वह खाने के लिए बैठता है, उसे दोबारा दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। इस बार वो दरवाजा खोलने के लिए उठने से पहले फिर से रोटियों को छुपा देता है और फिर दरवाजा खोलने जाता है। इस बार दरवाजे पर मीमी है। वह उससे पूछती है, तो दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको फिर से बहाने बनाने लगता है। आगे मीमी उसे बताती है कि अभी अभी उसकी माँ मुझे मिली थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे लिए वह चावल की कुछ रोटियां बनाकर गई हैं। कोको तपाक से बोल पड़ता है, यानी अचानक बोल पड़ता है कि रोटियां तो थीं परंतु मैंने सब खा ली। तो मीमी कहती है कि अकेले अकेले खाना बुरी बात होती है। तो मीमी कहती है कि मेरी माँ ने मुझे 4 केले के पापड़ दिए थे, 2 तुम्हारे लिए और 2 मेरे लिए। चावल की रोटियों के साथ केले के पापड़ का नाश्ता बहुत अच्छा होता। खैर, अब तो तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब कोको मन ही मन पछताने लगता है, उसका पेट भूख से गुड़गुड़ करने लगा था। मीमी एक पापड़ उठाकर कोको से चाय मांगती है, तो कोको उसे बताता है कि चाय अलमारी पर। अब मिमी स्वयं चाय पीने लगती है, मतलब खुद चाय पीने लगती है, और कोको से कहती है कि तुम्हारा पेट तो बहुत भरा हुआ है, इसलिए तुम चाय भी मत पियो। उसी समय फिर से कोको का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। तो मिमी पूछती है तो बताता है कि हमारे घर में एक चूहा घुस आया है, वही आवाज कर रहा है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है, यानी आवाज होती है। इस बार दरवाजे पर तिनसु होता है। वह गेंदे के फूलों का गुच्छा लाता है। मीमी उसे केले का पापड़ देती है और 1 कप चाय। तिनसु फूलदान उठाने लगता है, लेकिन कोको उसे रोक देता है, क्योंकि उसने वहीं पर चावल की रोटियां छिपाई हैं। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। कोको दरवाजा खोलता है और उबातून, जो कि दुकान का प्रबंधक है, वो वहां पर आता है। वह कोको से कहता है कि तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लेकर आई थी। वे नीला फूलदान चाहती थी, लेकिन उस समय वह मेरे पास नहीं था, इसलिए वे गुलाबी फूलदान ले आई। लेकिन मेरे पास अब नीला फूलदान आ गया है, मैं उसे बदलने के लिए आया हूँ। इतना कहकर उबातून गुलाबी फूलदान उठाकर उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। फूलदान के साथ कोको की चावल की रोटियां भी चली जाती हैं। अब कोको को इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि उस फूलदान में उसकी चावल की रोटियां भी चली गईं। वह चारों रोटियों के खाने के चक्कर में एक भी रोटी नहीं खा पाता है। इस प्रकार कोको को एक भी चावल की रोटी नहीं मिली। तो बच्चों, यह थी हमारी चावल की रोटियां पाठ की कहानी। धन्यवाद।